दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज में। तो देखिए आज हमने एक और GTPL का सेट टॉप बॉक्स लाया है OBD 5690 मॉडल का। ये आप मॉडल देख सकते हैं। इस बॉक्स का प्रॉब्लम देखिए आप खुद, देखिए नीचे वॉल्यूम का वार आ रहा है और ब्लिंकिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम का जो कीपैड स्विच है ना वो शॉर्ट हो गया है। स्विच भी शॉर्ट हो सकता है और रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो हमने बताया कि जैसे पहले वीडियो में मैं एक ऐसा काम किया था, ये चारों रेजिस्टेंस को हमने ओपन कर दिया और इधर में जो एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है, तो आज भी मैं वही करूँगा। तो चलिए एक बार वो काम कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसको ओपन कर दिया, अभी हम पावर दिया, अब देखते हैं वो वॉल्यूम का बार जाता है कि नहीं और हमारा चैनल एक जगह पे रहता है कि नहीं। ये चालू हुआ हमारा टीवी। ठीक है ना, ये रहा देखिए चैनल एक जगह पे खड़ा है। वॉल्यूम पहले 0 दिखा रहा था, अभी हम वॉल्यूम को थोड़ा अप कर रहा हूँ, सॉरी चैनल चेंज हो गया। तो ये देखिए हमने वॉल्यूम चार कर रहा, अभी ऐसा ही रहेगा और चैनल भी नहीं जाएगा। ये रेजिस्टेंस हॉट होने से कभी कभी चैनल अप डाउन होने लगता है अपने आप, वॉल्यूम अप डाउन होने लगता है अपने आप पावर ऑफ हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।